वाइल्ड लाइफ में जानवरों के बीच जिंदगी की जंग हमेशा चलती रहती है। कुछ जानवर पेट के खातिर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर शिकार करते हैं, तो वहीं कुछ इन शिकारी जानवरों से अपनी जान छुड़ाने के लिए दर दर भटकते हैं। लेकिन जंगल में कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक दूसरे का जानी दुश्मन माना जाता है, और शेर व हायना जंगल के उन्हीं जानवरों में से एक हैं। आज हम आपको शेर और हायना के बीच हुए कुछ ऐसे खतरनाक मुकाबलों की वीडियोस दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हायना के पास ना तो टाइगर जैसी रफ्तार होती है और ना ही हाथी जैसी ताकत, इसलिए वन ऑन वन की लड़ाई में हायना के शेर के साथ कोई मुकाबला नहीं। हालांकि जब इन जानवरों के बीच झुंड में लड़ाई होती है तो उस लड़ाई का नतीजा फिर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये शेर चारों तरफ से इन हायना के बीच घिरा हुआ है, लेकिन घिरा होने के बावजूद भी शेर इस झुंड के एक हायना को दबोचकर उसे मौत की नींद सुला देता है, और झुंड के बाकी हायना शेर का बाल भी बाका नहीं कर पाते। हायना ऐसे शिकारी होते हैं जो हमेशा झुंड में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी लालच में आकर ये अकेले भी शिकार करने निकल पड़ते हैं, और फिर इनका अंजाम वही होता है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस हायना का है। ये बेचारा हायना शेर से छूटने के लिए खूब चिल्लाता और मदद की गुहार लगाता है, लेकिन शेर इस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। लगातार कोशिश करते हुए हायना आखिरकार खुद किसी तरह शेर की पकड़ से आजाद करा ही लेता है, और तुरंत यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। क्या शेर भी हायना से डरते हैं? आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है, क्योंकि हायना को जब मौका मिलता है तो वो शेर पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते, खास तौर से एक घायल शेर पर जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इस शेर का नसीब अच्छा था कि एक हाथी इसकी मदद करने के लिए यहाँ पहुँच जाता है और सभी हायना को शेर के पास से खदेड़ देता है। हायना को दूसरे शिकारी जानवरों का शिकार चुराने की आदत होती है, लेकिन कभी कभी इनकी यही आदत इनकी मौत की वजह भी बन जाती है। ये शेर इस हायना को इसी बात की सजा दे रहा है। इस लड़ाई में भले ही हायना की हार बुरी तरह से हुई हो, लेकिन खाने को लेकर इनके बीच ये जंग कभी खत्म नहीं होती। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि ये हायना कैसे इस शेरनी के शिकार में अपना हिस्सा लगाने के लिए आता है। इसको मालूम है कि ऐसा करना इसकी मौत की वजह भी बन सकता है, लेकिन पेट के हाथों मजबूर ये हायना इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाता है। शेरनी को भी मालूम है कि अगर इसने हायना पर ज्यादा ध्यान दिया तो शिकार छूटकर भाग जाएगा, इसलिए ये भी हायना के साथ इस शिकार को शेयर करना ही बेहतर समझती है। शेर और हायना दोनों ही आम तौर पर एक दूसरे से शिकार और इलाके के लिए भिड़ते हैं, और इनके बीच ये लड़ाई इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि इनकी शिकार करने की आदतें एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है। ये दोनों जानवर एक ही तरह के जानवरों का शिकार करना पसंद करते हैं। शेर को हमेशा से ही जंगल का राजा कहा जाता है, और इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई अहम वजह है। असल में मानसिक रूप से शेर बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, और ये अपने सामने आए किसी भी जानवर को मार गिराने की ताकत व जरूरत दोनों रखते हैं। जरूरी नहीं कि इन्हें हमेशा ही शिकार करने के लिए किसी दूसरे जानवर से भिड़ना पड़े, बल्कि भूख लगने पर ये छोटे और आसान शिकारों को भी अपना भोजन बना लेते हैं। यहाँ इन दो शेरों ने एक इम्पाला को दबोचा हुआ है। ऐसे में ये बेचारा इम्पाला जैसे ही दर्द से कहराता है तो इसकी आवाज सुनकर पास से ही गुजर रहे कुछ हायना के कान खड़े हो जाते हैं। और वो शेरों से इनके इस शिकार को छीनने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। काफी देर तक तो शेर इन पर ध्यान भी नहीं देते और अपना फोकस सिर्फ शिकार को निपटाने पर ही रखते हैं। अब जैसे ही हायना करीब आकर हमला करते हैं तो शेर पहले ही भाग निकलता है, जबकि शेरनी पीछे रह जाती है, जिसके चलते सारे हायना शेरनी पर बुरी तरह टूट पड़ते हैं। इतने सारे हायना के सामने शेरनी की एक नहीं चलती और उसे भी दुम दबाकर भागना पड़ता है। बाद में फिर हायना इनके बच्चे को चे शिकार की दावत खुद ही उड़ा देते हैं। शेर के बच्चे पर हमला करने का क्या नतीजा होता है, इसका अंदाजा आप इस हायना की हालत देखकर लगा सकते हैं। शेरनी ने इसकी टांगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया है और ये बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। अब जैसे ही इसे ये लगता है कि खतरा टल गया है, शेरनी अचानक झाड़ियों से निकलकर इस पर दोबारा हमला कर देती है। हायना ठीक से भाग नहीं पाता, शायद यही देखकर
शेरनी को इस पर रहम आ जाता है और वो इसका पीछा छोड़कर इसकी जान बख्श देती है। जंगल का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा नियम है, हमेशा सरवाइव करते रहना। इसलिए जंगल का हर जानवर अपनी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है और यही कारण है कि हमें अक्सर जानवरों के बीच घमासान देखने को मिलता है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नर शेर बिना कोई रहम दिखाए एक नन्हे हाइना को अपने मुंह में दबोच कर तुरंत ही उसे मौत की नींद सुला देता है और हाइना बेचारे अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे आने तक की हिम्मत नहीं कर पाते। जंगल के अंदर अगर किसी जानवर ने शेर की नाक में दम कर रखा है तो वो हाइना ही है। यहाँ पर भी मजे से अपना शिकार एंजॉय कर रहे इस शेर को हाइना का एक झुंड घेरना शुरू करता है। शेर इन्हें अपने पास से भगाने के लिए धमकियां भी देते हैं लेकिन हाइना इतनी आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ते। आखिरकार इनसे तंग आकर शेर को अपना शिकार छोड़ना पड़ता है। अब शेर जैसे ही कुछ हाइना को खदेड़ने के लिए जाता है तो पीछे मौजूद झुंड के बाकी हाइना इसके शिकार पर टूट पड़ते हैं, शेर के भोजन को खुद चट कर जाते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये जंगली भैंस शेरों के साथ लड़कर बुरी तरह थक चुकी है। अब शेर तो थक कर इस भैंस को छोड़ देते हैं लेकिन इसके थके होने का फायदा उठाने यहाँ ये हाइना पहुँच जाते हैं और बिना समय गवाए भैंस पर पीछे की तरफ से हमला बोल देते हैं। भैंस इतनी थक चुकी थी कि वो हाइना को भगाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, मगर इस भैंस के शरीर का आकार एक अकेले हाइना के लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा था, इसलिए काफी देर तक मशक्कत करने के बाद ये हाइना भी इसका पीछा छोड़ देता है। हाइना जंगल के उन शिकारी जानवरों में से एक है जो हमेशा सिर्फ मौके की तलाश में ही रहते हैं, साथ ही ये शिकार करने के लिए हमेशा दूसरे जानवरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। जैसे यहाँ ये हाइना एक बीमार पड़ी हुई भैंस को बड़े ही आराम से अपना भोजन बना रहा है। भैंस बेचारी दर्द से खूब कराहती है लेकिन हाइना जिंदा रहते ही इसका मांस नोचना जारी रखता है। दया और रहम जैसी चीजें तो हाइना के अंदर होती ही नहीं है। भैंस को समझ में आ जाता है कि सिर्फ कराने से कुछ नहीं होगा, इसलिए किसी तरह हिम्मत करके ये खड़ी हो जाती है। अब इसके खड़े होते ही हाइना को भी समझ में आ जाता है कि अब इसका यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए ये तुरंत ही वहाँ से भाग निकलता है। जंगल में कई बार जानवर किसी दुर्घटना का शिकार होकर घायल हो जाते हैं और फिर ऐसे ही घायल जानवरों को हाइना अपना शिकार बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये हाइना मिट्टी के दलदल में फंसी इस घायल भैंस को अपना भोजन बनाने की तैयारी कर रहा है। हाइना के लिए शिकार का ऐसी हालत में मिलना किसी दावत से कम नहीं है। अब जैसे कि हाइना इसके शिकार को नोचना शुरू करता है, भैंस तेज आवाज में चिल्लाकर मदद के लिए अपने साथियों को पुकारती है लेकिन भैंस की मदद के लिए कोई यहाँ नहीं पहुँचता और हाइना इसका मांस नोच नोच कर इसे एक दर्दनाक मौत दे देता है। यहाँ दिखाई दे रहे इस जेब्रा की एक पिछली टांग टूटी हुई है और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए हाइना का ये झुंड इसे घेर रहा है। बेचारा जेब्रा इन हाइना को खुद से दूर करने और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन अंत में इसे हार माननी पड़ती है और ये इन हाइना के सामने ऐसे बैठ जाता है मानो इसने खुद अपनी मौत को स्वीकार कर लिया हो। फिर इसी चीज का फायदा उठाकर एक एक कर सभी हाइना इस पर टूट पड़ते हैं और अपनी आदत के अनुसार जेब्रा के जिंदा रहते ही इसका मांस नोचना शुरू कर देते हैं। एक इतने खूबसूरत जानवर का ऐसा हाल होते देखना बड़ा ही दुख की बात है लेकिन यही जंगल का नियम है और इसे बदलने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हिप्पो दुनिया के सबसे ताकतवर और गुस्साईल जानवरों में से एक है लेकिन हाइना मौका मिलने पर इसको भी नहीं छोड़ते। असल में ये हिप्पो बुरी तरह घायल था जिसके चलते हाइना का झुंड मौका मिलते ही इस पर टूट पड़ा। हिप्पो इनसे पीछा छुड़ाने के लिए खड़े होने की कोशिश भी करता है लेकिन कुछ भी करके ये सफल नहीं हो पाता। ये सभी हाइना पीछे की तरफ से इसका मांस नोचना जारी रखते हैं और इन वैशी हाइना के सामने ये हिप्पो अपना मौत स्वीकार कर लेता है। ठीक इसी तरह यहाँ भी इस बीमार पड़े हुए हिप्पो पर हाइना का एक झुंड हमला करता नजर आता है लेकिन ये हिप्पो किसी तरह हिम्मत जुटाकर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे चलते हुए पानी के अंदर जाने लगता है। मगर पानी में थोड़ा अंदर जाने के बाद भी हाइना इसका पीछा नहीं छोड़ते और लगातार पीछे की तरफ से इसका मांस नोचते रहते हैं। आखिरकार हिप्पो की हिम्मत टूट जाती है और ये अपनी मौत कबूल कर लेता है। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।